हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 फिट बाय 30 फिट प्लॉट की प्लानिंग के बारे में। ये जो हमारा प्लॉट है, ये हमारा ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है। ईस्ट साइड में इसका रोड है, बाकी जो तीन अदर साइड हैं, तीन अदर साइड में अदर प्रॉपर्टी है। और ये जो हमारा प्लॉट है, यदि इसको हम स्क्वायर फिट में निकालेंगे तो ये हमारा 450 स्क्वायर फिट का प्लॉट है। और यदि इसे हम गज में निकालेंगे तो ये हमारा सिर्फ 50 गज का प्लॉट है, जिसमें मेरा फ्रेंड जो डिजाइन है वो मैंने 2 BHK डिजाइन किया हुआ विद कार पार्किंग, इसको मैंने डिजाइन किया हुआ है। और ये जो हमारा डिजाइन है, मैंने इसको वास्तु अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने विद हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे राइट बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा स्टिल्ट फ्लोर है और स्टिल्ट फ्लोर पे मैंने मेन एंट्री जो दी हुई है वो हमारी 12 फिट वाइड की मेन एंट्री है। जैसे ही इसमें हम एंटर करेंगे तो हमने जो स्टिल्ट फ्लोर है उसका कंप्लीट पार्किंग रखी हुई है, जिसमें हम 3 कार आसानी से पार्क करा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्टेयरकेस डिजाइन किया हुआ है, जिसमें हम अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए अप करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा डिजाइन है, मैंने इसमें 3 स्टोरी के पर्पज से डिजाइन किया हुआ है, जिसमें स्टिल्ट फ्लोर जो रहेगा कार पार्किंग के पर्पज से रहेगा, और जो हमारा ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर होगा वो मैंने 3 फैमिली के पर्पज से रखा हुआ है, जिसमें एक फ्लोर पर एक फैमिली आसानी से रह सकती है। हम यहाँ से अप करेंगे, जो अप टू ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है यहाँ से हमने अप किया। जैसे हम एरो के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी लैंडिंग यहाँ होगी, ये लिखा हुआ डाउन टू स्टिल्ट फ्लोर, तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर होगा। और यदि हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो हम एज इट इज दोबारा से हम इस एरो डायरेक्शन में जाएंगे। यदि हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना है या फिर हमें सेकंड फ्लोर पर जाना है तो हम ऐसे ही दोबारा से अपने इस एरो डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये जो हमारा फ्लोर होगा, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर होगा। इसमें मैंने यहाँ पर ये बेडरूम डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 8 फुट 16 बाई 11 फुट का हमारा ये बेडरूम है, जिसमें मैंने यहाँ बेड रखा हुआ है। ये हमारा टीवी स्टैंड है और मैंने इस बेडरूम के लिए यहाँ कवर डिजाइन किया हुआ है। और ये हमारा हॉल रहेगा, जो कि हमारा 10 फुट बाई 8 फुट 6 इंच का हमारा ये हॉल है। जिससे फ्रेंड, ये जो हॉल होगा इसे हम एक डाइनिंग हॉल के पर्पज से यूज कर सकते हैं या फिर इसे हम अपने गेस्ट रूम के पर्पज से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने शाफ्ट डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 2 फिट बाई 4 फिट का फ्रेंड्स ये हमारा शाफ्ट है। इसमें मैंने ये 3 विंडो डिजाइन किए हुए हैं, एक विंडो मैंने बेडरूम लगाया हुआ है, एक विंडो मैंने टॉयलेट में लगाया हुआ है, और एक विंडो मैंने हॉल में लगाया हुआ है। तो ये जो हमारा बेडरूम में विंडो होगा, इस विंडो से हमें बेडरूम में सूर्य का उजाला मिलता रहेगा, और ये जो हमारा हॉल में विंडो होगा इस विंडो से भी हमें इस हॉल के अंदर उजाला मिलता रहेगा, और ये टॉयलेट में जो विंडो लगाया हुआ है इस विंडो से इस टॉयलेट का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। तो ये जो हमारा टॉयलेट होगा, ये हमारा कॉमन टॉयलेट होगा, और ये जो हमारा टॉयलेट का साइज है वो हमारा 4 फिट बाई 6 फिट का हमारा ये टॉयलेट का साइज होगा। इसमें मैंने यहाँ पर ये सिंक रखा हुआ है, हमारा WC है, मैंने मिक्सर टैप लगाया हुआ है। तो ये जो हमारा टॉयलेट है, इसमें मैंने बाथिंग एरिया को और टॉयलेट को कंबाइंड ही रखा हुआ है। और ये हमारा किचन डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 5 फिट बाई 9 फिट का हमारा ये किचन है, जिसके अंदर मैंने यहाँ स्टोव रखा हुआ है, ये हमारा सिंक है। और मैंने इस किचन के अंदर यहाँ एक विंडो डिजाइन किया हुआ है, जिससे कि हमारे इस किचन का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे। और ये हमारा सेकेंड बेडरूम है इस फ्लोर का, जो कि हमारा 9 फिट बाई 9 फिट का हमारा ये बेडरूम है, जिसमें मैंने यहाँ बेड रखा हुआ है, ये हमारी कवर्ड है। और मैंने यहाँ पर ये डोर कम विंडो डिजाइन किया हुआ है, जिससे कि हम इस डोर से हम अपनी इस बालकनी में आ सकते हैं, और इस विंडो के थ्रू हमें इस बेडरूम में प्रॉपर सूर्य का उजाला मिलता रहेगा। और मैंने इस बेडरूम में एक टीवी यूनिट डिजाइन किया हुआ है। तो ये फ्रेंड्स हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में मैंने 2 बेडरूम रखे हैं, एक किचन रखा हुआ है, एक कॉमन टॉयलेट रखा हुआ है, और एक हॉल मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो ये जो हमारी प्लानिंग है अपने इस ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग है, यदि आपको फर्स्ट फ्लोर डिजाइन करना है तो आप इसी प्लानिंग के लिए एज इट इज अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आपका जो ये स्टेयरकेस रहेगा वो आपका एज इट इज आपके फर्स्ट फ्लोर पर जाएगा, या फिर आपका जो सेकंड फ्लोर डिजाइन करना है तो सेकंड फ्लोर पर आप एज इट इज बना सकते हैं। और आपका जो शाफ्ट होगा, ये भी आपका एज इट इज आपके फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे जाएगा। और ये जो हमारा शाफ्ट होगा, इसका फ्रेंड हम जो सेकंड यूज कर पाएंगे वो इस पर्पज से कर पाएंगे, हमारे जो कॉमन टॉयलेट की जितनी भी प्लम्बिंग की सर्विस होंगी फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की, या फिर अपने सेकंड फ्लोर की, वो हम अपने शाफ्ट के थ्रू नीचे ले जा सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारी आज की प्लानिंग है। तो आपको हमारी प्लानिंग की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप भी अपने घर का नक्शा बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।